तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेमिंग न्यूज़ वीडियो। तो गाइस, ईवल नन और रॉड का कनेक्शन है ये तो आपको और हमको पता ही है, लेकिन गेम्स आपस में कनेक्ट होने वाले हैं अब ये चीज़ भी लगभग कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, मतलब हमने ईवल नन को तो कई बार रॉड से मिलते हुए, रॉड को लेटर्स लिखते हुए, रॉड के बारे में बात करते हुए सुना आइसक्रीम में, बट हमने ईवल नन 1 या 2 में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि ईवल नन रॉड के बारे में कोई बात करी हो या आइसक्रीम से रिलेटेड कोई भी चीज़ ईवल नन में हो। बट अब यहाँ पर ऐसे हिंट मिलने लगे हैं कि ईवल नन में आइसक्रीम से जुड़ी चीज़ें और रॉड से जुड़ी चीज़ें दिखने लगी हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, ईवल नन के इस मेगा अपडेट का जो ट्रेलर आया है, इसमें जो आप रोबोट देखोगे आपको काफी सिमिलर लगेगा आइसक्रीम 4 और 5 के रोबोट्स को देखकर। मतलब उन दोनों रोबोट्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, आप देख सकते हो जाकर गेम प्ले में। तो गाइस, कल परसों ना मैंने ईवल नन का फैन मेड गेम खेला था वर्जन 1.8 का, जिसमें मैं ऊपर वाले रूम में यानी येलो डोर को खोल के उसके अंदर गया था एंड वहां पे काफी सारी चीजें देखने को मिली। बट उसमें से एक चीज जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थी वहां पे, वो थी एक रूम में कोने में पड़े 2 बैग, या 2 नहीं एक्चुअली 3। उन बैग्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुलाबी कलर की कोई चीज पड़ी हुई है एंड पिंक कलर की चीज किसको पसंद है वो सबको पता है। जी हाँ, रॉड की आइसक्रीम का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है वही होता है पिंक कलर का। तो ये बैग यहाँ पे कैसे आए, इसका क्या रीजन है, क्या ईवल नन का कोई कनेक्शन है रॉड के इन एक्सपेरिमेंट से? तो जी हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा कि ईवल नन ने रॉड को लेटर लिखते समय ये बात कही थी कि रॉड के फादर जोसेफ सोलोमन ने ईवल नन से वो सीक्रेट फॉर्मूला चुराया है। तो इस बात का जवाब यही है कि जी हाँ, इन दोनों गेम्स में कनेक्शन है और आगे चल के ईवल नन में हमें आइसक्रीम से जुड़े काफी सारे हिंट मिलने वाले हैं। I will be a famous ice cream too. Genius is great as my father.